हेलो, कैसे हैं सब? उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं ब्रेड पकौड़े। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनते हैं। ये तो इधर हमने एक आलू बॉईल कर लिया है और उसके छोटे पीस कर लिए हैं। अब हम इसको मैश करेंगे कांटे की मदद से। हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे, इसमें गुटलियाँ ना रहें। देखें, हमने इसको अच्छे से मैश कर लिया है, इसमें बिल्कुल गुठलियाँ नहीं है, मैदे की तरह बन गया ये। आप भी ऐसे ही बनाएं, गुठली ना कोई भी रहने दें। ये देखें, बिल्कुल जैसे मैदा होता है ऐसे बन गया। तो अभी हम शुरू करते हैं। तो हमने बॉल ले लिया है, अब हम इसमें दूसरी चीज़ें डालते हैं। ये हमने घोल बनाना है, खाने के बड़े 2 चमचे बेसन ले लिया है। तो इसमें हम दूसरे मसाले डालेंगे। ये काला नमक है, वो एक चुटकी डाल देते हैं। एक छोटी आधी चमची हल्दी की डाल देते हैं। एक छोटी आधी चमची हम मिर्ची की डालते हैं, सुर्ख मिर्ची। तो ये नमक, इतनी सी ब्लैक मिर्ची वो डाल देते हैं। अब हम इसमें ये धनिया और पुदीना है, इसको हमने छोटा छोटा चॉप कर लिया था, ये डालेंगे। बहुत ही बारीक चॉप किया है, आप भी ऐसे करें। तो जो हमने आलू मैश किया था वो हम डाल देते हैं इसमें। तो अब हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे पानी डाल के। पानी थोड़ा थोड़ा डालना है, एकदम पानी नहीं सारा डाल देना। एक घोल बनाना है हमने। तो अभी इसमें पानी थोड़ा और जाएगा क्योंकि ये हमने घोल बनाना है। तो मेरे बहन भाइयों, अगर ये वीडियो मेरी आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो ये देखें, घोल हमारा तैयार हो चुका है, बेसन आलू और खुश्क मसालों से, ये देखें। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे क्योंकि पकौड़ों पे चमक आए। दो छोटी चमची डालेंगे इसमें ऑयल। अभी हम इसको मिक्स कर देंगे। तो चूल्हा हमने जला लिया और कढ़ाई में तेल डाल के हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया। अभी हम इसका इंतज़ार करते हैं, थोड़ा गर्म हो जाए। तो ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम ऐसे डिप करके सारे हम डाल देंगे। आंच हल्की पे रखना है। तो
तो ये देखें ये सारे तैर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता फ्राई होंगे और क्रिस्पी बनेंगे। अगर तेज आंच पे रखेंगे तो फिर ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो ये बच्चे बूढ़े सब खा सकते हैं और नाश्ते के टाइम खासकर ये बनाएं और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो ये देखें डार्क ब्राउन हो चुके हैं सारे, बारी बारी हमने पलटे हैं और ये देखें कितना प्यारा कलर आया है। अभी हम इनको निकाल लेते हैं। तो ये देखें हमारा ब्रेड पकौड़ा तैयार है। अगर रेसिपी आपको ये पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहन भाइयों, खुदा हाफिज़।